हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। हाँ अब हो गए 20, हो गए 20 हो गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो बेसिकली अभी मेरे को एक काम है, व्लॉग शुरू होते ही काम है मेरे को, एक्चुअली संस्कृत के अंदर कुछ बनाना है। सो द थिंग इज कि फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अभी रिसेंटली इट वाज वर्ल्ड अर्थ डे, तो जैसे ऐसे डेज आते रहते हैं ना, जैसे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड योगा डे एंड मैनी मोर डेज, बहुत सारे डेज आते हैं, तो उन सबको हमको लाइक 2-3 A4 साइज पेपर के ऊपर, तो आई थिंक आई विल बी फाइंडिंग आउट देम जनवरी से लेके दिसंबर तक के। लाइक अभी तो जैसे अप्रैल शुरू हो गया है, तो अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च तक उसके हिसाब से हम लोग डेट वाइज सारे, मतलब जितने भी लाइक डेज आते हैं, काफ़ी सारे डेज आते हैं, स्कूल का काम है वो, एंड वील बी पेस्टिंग दोज पेजेस ऑन द सॉफ्ट बोर्ड। सो बिफोर डूइंग दैट वर्क, मैं आई हैव द प्रैक्टिकल फाइल हेयर, और जैसे मैंने पता नहीं कोई से ब्लॉग में बोला था कि पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर खुद लिखना चाहो तो खुद लिख सकते हो, बट प्रैक्टिकल फाइल्स जो होती है ना उनमें पीरियोडिक टेबल बनी हुई रहती है। दिखाती हूँ एक सेकेंड। सो जैसे ये है, ये प्रैक्टिकल फाइल में बनी हुई है, तो आई विल बी टेयरिंग इट एंड पेस्टिंग इट ऑन द डोर ऑफ माई कबर्ड, ताकि एकदम सामने सामने रहे और शायद मैं लर्न कर लूँ। देखो नाइन्थ में मैंने 20 एलिमेंट्स लर्न करे थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अभी बोलते देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। हाँ अब हो गए 20, हो गए 20 हो गए। सो अभी मेरे को सिर्फ 20 ही याद है, इसके अलावा मेरे को बाकी के भी याद करने हैं। फिर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। मैं सोच रही हूँ एक बार जिंक तक और याद कर लेते, 10 और याद कर लेते हैं। कैल्शियम के बाद में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। सो इट इज़ 8:13 अभी, और आई हैव जस्ट इम्पोर्टेड दी फाइल्स फ्रॉम माई मोबाइल टू द लैपटॉप, और सब कॉपी हो गई है। एंड बेसिकली आई एम थिंकिंग कि पहले मैं खाना पहले ही खा लेती हूँ, वैसे तो 8 बज गई एंड 9 बजे तक मैं एडिटिंग फिनिश कर लेती हूँ डेली। आज भी आई थिंक थोड़ा लेट हो जाऊँगी, बट 9:30 तक वीडियो आ ही जाएगी होपफुली। एंड अभी डिनर में मेरे लिए सिर्फ पास्ता बना है, यूजुअली स्पेशल मेरे लिए बनता है क्योंकि मेरे को ज़्यादा पसंद है, तो अभी पास्ता खा के आ जाते हैं। हे गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे, और कल रात को मैंने लास्ट बार व्लॉग करा था, उसके बाद में आज वापस रात हो गई, इट इज़ द नेक्स्ट डे और अभी रात है, तो कल के बाद मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं करा। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं रात को खाना वगैरह खाने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ एकदम, तब मैं पढ़ती हूँ, तो अब रात को मैं उसको व्लॉग कैसे करूँ, क्योंकि रात को मेरे पास फ़ोन नहीं रहता। तो आज अगर मैं पढ़ूँगी तो आई वुड ट्राई कि मैं अपने पास में फ़ोन रखूँ ताकि रिकॉर्ड कर सकूँ। एंड अभी मैं बाहर जाके आई हूँ, अभी 8:30 बज रही है, और जब मैं एडिटिंग करने बैठ रही तब मेरे को याद आया कि कल के बाद में तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, लेकिन आज स्कूल से नहीं आया मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो अभी बाहर जाके आई हूँ, तो अभी ब्लॉग, डिनर तो मैं एडिटिंग करने के बाद में करूँगी। सो या दैट इज़ ऑल फॉर येस्टरडेज व्लॉग, क्योंकि व्लॉग तो पूरा कल का है, आज तो मैं सिर्फ एंड कर रही हूँ। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग द व्लॉग, एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।